अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे ASP.NET का, और देखेंगे कि ASP.NET बेसिकली है क्या। ASP.NET जो हमारे पास है वो एक टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज बेसिकली हम यहाँ पर, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है, और इस टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इन दिस कोर्स वी विल बी यूजिंग C# एज अ लैंग्वेज, और हम इसके अंदर C# को सीखेंगे। तो आज देखते हैं किस तरह से हम एक ASP.NET एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे। हम जो इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो, डेट इज़ 2015, और हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट हम करेंगे। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से, क्योंकि हम लोग विजुअल C# को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ से विजुअल C# पे क्लिक करेंगे, देन विंडोज़ पे आएंगे। असल में हम लोग विंडोज़ एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि सेपरेट टैब बना हुआ है, मेन्यू बना है वेब का। तो मैं वेब पे क्लिक करता हूँ, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो जैसे ही मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम लिख के इसको एंटर किया, हमारे पास एक टैब ओपन हो गई जहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो हम यूज़ करेंगे, हम एम्प्टी टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का टैब ओपन होगा, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स मौजूद होगी उनको सिलेक्ट कर सकेंगे, उनको देख सकेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल होती हैं जब हम एक ASP.NET वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे तो मे बी यह थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा, और फर्स्ट टाइम ये लोडिंग में टाइम इसलिए लेता है कि जब आप फर्स्ट टाइम लोड करते हैं तो टूल बॉक्स वगैरह आपके पास जो है वो फर्स्ट टाइम लोड हो रहे होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है। हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बिल्ड होने वाला है, बनने वाला है, तो देखते हैं। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। और तो यहाँ से अगर आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर तीन टैब आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, एक टीम एक्सप्लोरर है, और एक क्लास व्यू है। हम जो मोस्टली यूज़ करेंगे वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। जैसे ही मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास ये फाइल्स वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी आ रही हैं। तो यहाँ पर जो फाइल हमें देखनी है, ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है, और हमारे पास ये कहलाती है सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कि ये हमारे पास सॉल्यूशन फाइल होती है जो कि मेन फाइल होती है, और इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर रिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, हम माई फर्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, उसके बाद रेफरेंसेस, जितने भी रेफरेंसेस होते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो सारे यहाँ लोडअप होते हैं। देन हमारे पास इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट फाइल और मौजूद है वो है web.config फाइल। web.config फाइल के अंदर बेसिकली ये आपके पास एक XML फाइल होती है, और इसके अंदर जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। आगे जाके जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर आगे जाके जब हम jQuery वगैरह और वैलिडेशन कंट्रोल वगैरह यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पर इनरोल्ड होती हैं। अब अगर हमें ASP.NET पे काम करना है तो हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वेब फॉर्म पे हम काम करते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करी हो C# के अंदर, तो हमारे पास वहाँ पर होते हैं WinForm एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर क्योंकि हम वेब पे काम करेंगे तो वेब पे हमारे पास अवेलेबल होती हैं वेब फॉर्म एप्लीकेशन। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, और मैं यहाँ से जाके इजीली एक वेब फॉर्म को ऐड करवा सकता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर वेब फॉर्म का ऑप्शन ना आए तो आप न्यू आइटम में जाकर भी वेब फॉर्म को इंक्लूड करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आ रहा वेब फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से वेब फॉर्म का जो भी नाम सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं।
हमने अभी वेब फॉर्म 1 ही रखा हुआ है यहाँ सर। जैसे ही मैं वेब फॉर्म को ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि वेब फॉर्म के साथ हमारे पास एक वेब फॉर्म बना हुआ आ गया जिसकी एक्सटेंशन है ASP.X, और इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास आ रहा है वो सारा तकरीबन HTML जैसा कोड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें, ये आपके पास पेज डायरेक्टिव है। पेज डायरेक्टिव के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है जिसमें हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। ऑटो इवेंट वायरअप इट इज़ ट्रू, यानी हम क्या इवेंट को ऑटो वायरअप करना चाहते हैं या नहीं, तो हमने इस प्रॉपर्टी को ट्रू किया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास कोड बिहाइंड और इसके बाद लिखा हुआ इनहेरिट, यानी ये किस प्रोग्राम से इनहेरिट हो रहा है, यानी हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम और उसके अंदर ये वेब फॉर्म बना हुआ है। अब ये वेब फॉर्म डॉट कोड बिहाइंड फाइल क्या है? बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे पास वेब फॉर्म जो है वो इवेंट ड्रिवन के ऊपर काम करती है, यानी इसके ऊपर हम बटन्स के इवेंट्स वगैरह जनरेट करते हैं, क्लिक इवेंट, इस तरह के इवेंट्स पे हम काम करते हैं। तो जब हम क्लिक इवेंट पे काम करते हैं तो हमें कुछ काम चाहिए, काम करने के लिए बैकएंड के लिए हम क्योंकि सी शार्प को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एडिशनल एक फ़ाइल अवेलेबल होती है जो कि आपकी कोड बिहाइंड फाइल होती है। अगर हम यहाँ से वेब फॉर्म पे राइट क्लिक करें तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारी फ़ाइल है ये डिज़ाइनर फाइल है और ये हमारी जो है ये बैकएंड की फ़ाइल है। और यहाँ पर अगर आप जो कोड देखेंगे वो बेसिकली आपके पास सी शार्प का कोड नज़र आ रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है जो कि है पेज लोड का मेथड। तो पेज लोड का मेथड क्या करता है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में भी इसको और मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जैसे कि हमारे पास PHP या दूसरी लैंग्वेजेस में प्रिंट करवाने के लिए कुछ यूज़ होता है तो हमारे पास यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट राइट का मेथड यूज़ होता है जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ हेलो, और ये लिख देते हैं हेलो दिस इज़ हेलो दिस वेलकम वेलकम टू ASP.NET। तो यहाँ पर आके ASP.NET और इसको मैं बंद करता हूँ, और इसको सेव करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट W दबाऊँगा तो ये मेरे पास ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास वेब ब्राउज़र जो है हमें लिखा हुआ शो करेगा हेलो वेलकम टू ASP.NET। तो ये लोड हो रहा है जब तक, ठीक है तो हम देखते हैं। तो जैसे ही ये लोड हुआ तो जो हमने रेस्पॉन्स जो राइट में लिखा था हेलो वेलकम टू ASP.NET वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और बेसिकली आज तो बिल्कुल हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया ASP.NET का। आगे चल के हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई रेलेवेंट टॉपिक्स जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं उनके हवाले से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।